इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें बिराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराजनाथ। अपने चैनल के साथ चलिए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें वैकेंसी आया है, ठीक है। तो उसका सारा डिटेल्स वीडियो में बात कर करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इसका जो नंबर पोस्ट है दोस्तों वो है 4103, मतलब ये नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन, सारा मिला के 4103 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो पे स्केल है दोस्तों, इसका जो पे स्केल है वो 9300 से लेके 29950 कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो BTEC जिन्होंने किया, BTEC या डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो उनका मतलब एक साल का एक्सपीरियंस भी जरूरत है, लेकिन सिविल में जरूरत नहीं है। सिविल में जो अप्लाई करना चाहते हो तो BTEC या डिप्लोमा चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो जो जिन्होंने डिप्लोमा किया उनका एक साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसमें दूसरा पोस्ट है जो है स्टेनो, स्टेनो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एसेंशियल का जो सर्टिफिकेट होता है, वो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए, स्टेनोग्राफी में भी पोस्ट आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक पोस्ट है AG001, ठीक है। उसमें आपको चाहिए सिर्फ डिग्री, ठीक है, डिग्री इन मेन सब्जेक्ट इज हिंदी, और उसमें प्रेफर्ड है अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। तो इसका हिंदी चाहिए, आपका डिग्री चाहिए, ठीक है, कोई भी डिग्री हो, मतलब आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट है वो है टाइपिस्ट हिंदी, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और उसका टाइपिंग स्पीड भी कुछ है 30 WPM करके है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी बोथ, अगर आपका टाइपिंग स्पीड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम सॉरी, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, पहले तो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसके बाद कॉल लेटर आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसके में रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होंगे, ठीक है, जो दो एग्ज़ाम होंगे, कुछ कुछ पोस्ट के लिए दो एग्ज़ाम होंगे, कुछ पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो दोस्तों है www.fci.gov.in, ठीक है। तो उसमें आपको जाना है, ठीक है, तो जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मतलब फोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन होता है वो डालना है, मतलब स्कैन करके अपलोड करना है, डिक्लेरेशन देना है, रिटर्न डिक्लेरेशन वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, डिक्लेरेशन क्या क्या है। एंड उसका जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों वो है मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, मतलब मैं जैसे त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ तो एग्जाम सेंटर अगरतला में, तो अलग अलग स्टेट जो है इंडिया के तो अलग अलग है, ठीक है। तो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 23 फरवरी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एंड 25 मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था कि फोटो एंड सिग्नेचर को लेके TPSC का जो LDC का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा ऑनलाइन, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ऑफलाइन अप्लाई करो TPSC LDC के लिए, ठीक है। तो TPSC मतलब त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई करो एंड वो आपको फॉर्म मिल जाएगी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में, ठीक है। तो यही आपको बताना था दोस्तों, ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।